हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्श्वेता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल हर्श्वेता सिंह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बगल की घंटी जरूर बजाएं यानी क्लिक करें ताकि मेरे जितने भी नए वीडियो हैं आपको मिल सके। अगर आपने सब्सक्राइब पहले ही कर दिया है तो दोबारा ना करें, नहीं तो ये अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 2018 के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के विनर के बारे में जानेंगे, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इसे हम एक ट्रिक के थ्रू जानेंगे जिससे ये टॉपिक और भी इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है क्या। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1991-92 से हुई, ठीक 1991-92 से हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि राजीव गांधी 4 वर्ष की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें विनर को 7.5 लाख रुपये और एक मेडल और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथ आनंद को दिया गया, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में किसको किसको मिला, इसे हम एक ट्रिक के थ्रू जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एस मीराबाई चानू को भारोत्तोलन के लिए 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, ठीक। एस मीराबाई चानू को भारोत्तोलन के लिए 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। नेक्स्ट है विराट कोहली को क्रिकेट के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 का पुरस्कार मिला, ठीक है। विराट कोहली को क्रिकेट के लिए 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, ठीक। तो इसको हम एक ट्रिक के थ्रू जानेंगे कि मीराबाई, ठीक, मीराबाई भार उठाकर विराट से किटकैट मांगा, ठीक। तो मीराबाई, एस मीराबाई चानू, ठीक, और भार भारोत्तोलन, ठीक, और इस प्रकार हो जाएगा कि मीराबाई भारोत्तोलन की हैं। और नेक्स्ट है विराट, विराट कोहली क्रिकेट, किट कैट, यहाँ देखिए किट कैट से क्रिकेट का साउंड कर रहा है, तो किट कैट मांगा, तो मांगा आपके लिए एक तुक बनाने के लिए है। तो मीराबाई भार उठाकर विराट से किट कैट मांगा, मीराबाई भार, मीराबाई भार उठाकर विराट से किटकैट मांगा, ठीक। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये लाइन याद रखिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।